हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, तो अपन को ये चार क्वेश्चन दिए, इनके मैचिंग कराने। तो पहला पार्ट देख, पहला पार्ट दे रखा है द वैल्यू ऑफ पी प्लस एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आर, अगर पी आर एस आर रियल नंबर, टोनिक डिक्रीजिंग लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल -5/3 कॉमा -1। तो बच्चों अपन को जो ये एफ एक्स दिया हुआ है ना, लार्जेस्ट इंटरवल डिग्री, तो अपन का एफ एक्स जो रखा है, एफ एक्स एक्स दे रखा है एक्स क्यू प्लस का प्लस का एक्स प्लस का डिक्रीजिंग निकालना है। तो एफ डैश अपना लेस देन 0, एफ डैश निकाले तो एफ डैश एक्स आ रहा है 3 पी एक्स, ये आ रहा है। अब ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो ग्राफ अपना बन रहा होगा। ये जो है ना लार्जेस्ट 5/3, यहाँ तो पॉजिटिव होगा, लार्जेस्ट ये -5/3 हो जाए, और ये -1 के बराबर हो जाए। ये दोनों पॉइंट है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो अपन एफ डैश -5/3 अपना 0 के बराबर होगा। यहाँ से इसमें आ रहा है ये 3 इंटू -5/3 का होल प्लस का 3 इंटू -5/3 प्लस का क्यू 0 एंड एफ ऑफ माइनस एफ डैश -1 भी अपना 0 आएगा। तो ये आ रहा है 3 माइनस का 2 और प्लस, यहाँ से अपन का वैल्यू 3 माइनस का 3 ये आ रहा है 5/3 प्लस का 3 का 3, यहाँ से आ रहा है 25 में से 25/3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू p/3 आ रहा है। यहाँ से देखें तो p का वैल्यू अपना आ रहा है, यहाँ से इसमें अगर 5 आ रहा है तो पहले ऑप्शन अपना। अब दूसरे पार्ट में पूछा है इफ द इक्वेशन टी रेज पावर टू एक्स इक्वल टू के अंडर एक्स हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देन के कैन बी इक्वल टू, टी इक्वल टू पूछा गया है के का कौन सा वैल्यू होगा अगर दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा। तो अपन इसको निकालते हैं, पार्ट को पार्ट दे रखा है ई रेज पावर एक्स इक्वल टू ए टाइम्स रूट एक्स, यहाँ से के का वैल्यू निकाल अपन ए इसको एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ से देखें तो अपन इसको भी इस ये जो फंक्शन दिया है इसको अपन एफ एक्स मान, यहाँ से अपना एफ एक्स आ गया ई रेज पावर एक्स रूट एक्स, ठीक है। यहाँ से अपन एफ डैश एक्स निकाल, एफ डैश एक्स आ जाएगा में तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा पर दैट इज एक्स टू टी रेज पावर टू एक्स और माइनस का टी रेज पावर टू एक्स, इसका डिफरेंसेस जाएगा रूट बाय टू 1/2, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें टी रेज पावर एक्स तो आ जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पे एलसीएम ले ले तो ये 4 टाइम्स एक्स आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, अपन अब जो है ना यहाँ पे अगर अपन क्रिटिकल पॉइंट, एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है एक्स इक्वल एफ को, तो इस पॉइंट पे अपन एफ डबल डैश एक्स निकाले, एफ डबल डैश एक्स निकाले और अपन वहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की जगह वहाँ एफ फोर 0 आ रहा है। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं ये जो फंक्शन था वो एफ, ये जो एफ एक्स अपना फंक्शन है एक्स इक्वल 1/4 पे मिनिमा मिनिमा बना रहा है, ठीक है। यहाँ से अपन देखे तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका डोमेन देखे तो ये रूट है तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0 और 0 से बड़ा होना, ये इसका डोमेन देखे इस फंक्शन का तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका जो ग्राफ होगा तरह से बनेगा और 1 जाएगा फिर भाग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन अगर एक्स का वैल्यू 1/4 है तो के का मिनिमम आ रहा है, एक ये अपना मिनिमा आ रहा है एक्स इक्वल 1/4 आ रहा है ई रेज पावर बाय 2, यहाँ से देखे तो टाइम्स ई रेज पावर बाय 2 आ रहा है। वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो के बराबर इस पॉइंट पे के का वैल्यू अपना 2.6, इस पॉइंट पे तो अपन को एक ही सॉल्यूशन, अगर इससे बड़ा लेंगे तो यहाँ पे लेंगे तो अपन अगर k का वैल्यू 4, 5, 6, 7 लेंगे तब जाके अपन को, तो अपन k का बोल, अगर k ग्रेटर देन 2, 7, 1 से बड़ा है तब जाके अपन, तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है यहाँ p ऑप्शन इसके लिए मैच कर रहा है, कैन भी पूछा है तो कोई भी हो सकता है, p हो सकता है, r भी हो सकता है और s भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन ये तीनों पॉसिबल है, सेकेंड पार्ट का जो है ना अपना पी आर और कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट देखे तो द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इंटरवल इंटीग्रल इंटीग्रेशन -1 से लेके a+1 e रेज पावर -x-1 का होल स्क्वायर dx मेंटेन मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, तो अपन को ए का वैल्यू निकालना है जो ये एफ ऑफ ए अपना जो है ना मैक्सिमा अटेंड करे। अपन यहाँ से अगर देखे तो अपन यहाँ यहाँ एफ तीसरा एफ ऑफ ए लिखे, एफ ऑफ ए को अपन लिख सकते ऑफ a-1 a+1 e रेज पावर -x और माइनस का होल dx, ये अपन को यहाँ से अपन अगर s a निकाले तो आ रहा है अपना e रेज पावर -a² और माइनस का e रेज पावर माइनस, यहाँ पे ये रखेंगे ये आ जाएगा a-2 का होल। अब ये अपन ये अगर 0 करे वहाँ से a निकाले, यहाँ से आ रहा है e रेज -a² इक्वल -a a-2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखे तो -a² और इसको ओपन करें a² और प्लस का 4a और a बराबर होने चाहिए तो ये a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू 1। और अब f डबल डैश a निकाले तो आ रहा है माइनस का 2a e रेज पावर माइनस का a² और यहाँ से देखे ये प्लस का e रेज पावर माइनस का a इंटू का स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल टाइम्स a-, ठीक है। यहाँ से देखे तो अगर अपन f डबल डैश 1 निकाले तो अपना जो है ना लेस देन 0 आ रहा है, ये देखे तो 1, ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये पोर्शन भी यहाँ देखे तो ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो निगेटिव आ रहा
यहाँ से बोल सकते हैं एफ ऑफ ए पे जो है ना, एफ ए जो है ना मैक्सिमम ये अपना मैक्सिमम, ठीक है, देखे तो अपना ऑप्शन जो है ना क्यू, ठीक है। अब जो है ना डी पार्ट देखे, डी पार्ट में बोल रखा है लाइन एल इज टेंजेंट टू इक्वल टू डी रेज पर एक्स इज पैरेलल टू लाइन एक्स माइनस फोर इक्वल टू वन इफ एक्स इंटरसेप्ट द लाइन इज एल एन, द लाइन इज माइनस एल एन के के बिलोंग्स टू एंड के इज। तो बच्चों अपन को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और उसका वहाँ पे इंटरसेप्ट निकाल अपन को एक्स इन हाँ देखे डी पार्ट में अपन को दे रखा है जो दे रखा है वो वाई इक्वल टू डी रेज पावर एक्स दे रखा है। एफ डैश एक्स निकाले तो डी रेज पावर एक्स आएगा और अपन को साइन पैरेलल टू दे देखे तो यहाँ का स्लोप स्क्वायर है वो बाई फोर आ, तो अपन ई रेज पावर एक्स बाई फोर हाँ एक्स आ रहा है वन बाय फोर, एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू निकाले करेंगे वाई वन बाय फोर, ठीक है। ये दो पॉइंट आ गया और ये स्लोप दे रहा है लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस बाय फोर माइनस एल एन वन बाय फोर। अब अपन को एक्स एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो इंटरसेप्ट है निकालना है तो वाई को देंगे 0 के बराबर माइनस वन बाय फोर बाय फोर एक्स माइनस का एल एन बाय फोर ये आ रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया एक्स माइनस का एल एन वन बाय फोर आ रहा है, ठीक है। एक्स निकाले तो आ रहा है एल एन बाय फोर और माइनस का यहाँ से अपन ये सकते हैं एल एन वन माइनस का ln 4, इसको माइनस वन को लिख सकते हैं ln एन बराबर, ये तो अपना 0 हो गया, ln 1 0 होता है और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा माइनस ln और e के बराबर। अपन को यही दे रखा है, अपन को ये दे रखा है माइनस k टाइम्स e, यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ 4 देखिए मैच कर रहा है ऐसे में, यहाँ से देखे तो अपना जो परफेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है, पहले का तो आर आ गया, दूसरे का ये तीनों ऑप्शन कैन भी पूछा है तो यहाँ पे अपन को एक ही ऑप्शन दिख रहा है पी, तो ये भी मैच कर और तीसरे का क्यू से मैच कर रहा है, चौथे का एस तो करेक्ट है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन